बसमिल्मी असल दोस्तों टूडे जॉब्स एंड अपडेट की तरफ से आप को वेलकम करता हूँ दोस्तों पाकिस्तान अटामिक कमीशन में लेटेस्ट गवर्नमेंट वीकेंसीज आ चुकी हैं जिस पर पूरे पाकिस्तान से मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तों ये जो असामियाँ हैं इन पर कम से कम एजुकेशन यहाँ पर रखी गई है प्राइमरी और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एजुकेशन मैट्रिक रखी गई है तो एक और मज़े की बात भी बता दूँ अटामिकर्जी कमीशन की इन असामियों पर वो ये कि यहाँ पर तजरब बिल्कुल भी रुकवायर नहीं है यूं समझ लें कि अगर आप लोगों के पास तजर्बा भी नहीं है तो फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो पहले जितनी भी अटामिक की जॉब्स आती रही हैं उसमें कुछ ना कुछ तजर्बा या एक्सपीरियंस जो है ना वो रुकवायर था इन वाले आसामियों में बिल्कुल भी तजर्बा आप लोगों के पास रिक्वायर नहीं कर रहे तो दोस्तों वीडियो मुकम्मल देखनी है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है क्योंकि मैं मुल्क भर की लेटेस्ट जॉब अपडेट रोज़ाना की बुनियाद पर देता रहता हूँ तो यहाँ पर असामियों की तफसील बता रहा हूँ याद रखें अटामिक एक वहद ऐसा इदारा है जिसकी जब भी नौकरियाँ आती हैं सीटों को शो नहीं किया जाता लेकिन यहाँ पर सीटें सैकड़ों में होती हैं सैकड़ों से मुराद मतलब के तीन हिस्सों में मतलब सौ से ज़्यादा आसामियाँ तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसामियाँ होंगी क्योंकि ये भी मुल्क भर के लिए सबसे पा, सबसे पहले दे सकते हैं कि टेक आई वी टेक आई वी जो है ना कंट्रैक्ट की बेस पर है मैट्रिक साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनकी सेकंड डिवीजन है ये कहते हैं कि अगर तजर्बा है तो आप लोग को प्रेफर करेंगे अदरवाइज़ भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो इसके बाद टेक आई वी पेंटर की असामियाँ आई हुई हैं यहाँ पर मेट्रिक साइंस सेकेंड डिवीज़न है तो अप्लाई कर सकते हो कहते हैं कि तजर्बा है तो आप लोग को यहाँ पर प्रेफर करेंगे अदरवाइज़ भी अप्लाई कर सकते हो आगे साइंटिफिक असिस्टेंट देख लें ये भी कंट्रैक्ट बेस पर है वैसे ही आजकल ज़्यादातर असामियाँ कंट्रैक्ट पर ही आ रही हैं मैट्रिक विद साइंस सेकेंड डिवीज़न है Science, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो अच्छा यहाँ पर भी आप लोग बगैर तजर्बे के अप्लाई कर सकते हो इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट आई वी की आई हुई है मेडिकल अटेंडेंट नाम की असामियाँ तो मैट्रिक साइंस से सेकेंड डिवीज़न हो और आप लोगों के पास मेडिकल अटेंडेंट के हवाले से कोई कोर्स हो तो कहते हैं कि प्रेफ़र करेंगे अदरवाइज़ भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो आगे सबसे ज़बरदस्त असामिया सबको मशवरा दूंगा यहाँ पर ही आप लोगों ने अप्लाई करना है यह है फायर मैन की असामिया मैट्रिक अगर आप लोगों के पास आए तो अप्लाई कर सकते हो फर्स्ट डिवीज़न होना लाजमी है इसके बाद जनरल अटेंडेंट टू की आई हुई मैट्रिक यहाँ पर आप के पास आए तो अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर तो देखा जाए तो फर्स्ट डिवीज़न हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो माली की आई हुई माली का आप लोगों के पास के लो टेस्ट लिया जाएगा यहाँ पर माली के हिसाब से कहते हैं पाँच साल का तजर्बा यहाँ पर मांग रहे हैं वैद असामी है स्टैटरी अटेंडेंट यहाँ पर देख सकते हो तजर्बा निल लिखा हुआ है कोई तजर्बा आप लोग से रिक्वायर नहीं है और ये भी कंट्रैक्ट भी इस पर है और आप लोग प्राइमरी पास हो तो दोस्तों अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ सबसे पहले लास्ट डेट देख ले आठ तीन दो हज़ार बाईस मतलब आठ मार्च तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो तो अप्लाई करना चाहते हो तो जो इस टाइम आप लोग स्क्रीन पर यह एप्लीकेशन फॉर्म देख रहे हो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप लोग किसी भी फोटो स्टेट शॉप या किसी भी ऐसी शॉप पर चले जाओ जो इस तरह के काम करते हैं उनको ये वाला फॉर्म जो है ना जो आप लोग देख रहे हो स्क्रीन शाट ले लो बेश तो इस फॉर्म को ना आप लोग ने वहां पर उनको कहना है कि इस तरह का फॉर्म बना कर दें। अब ये वाला जो फॉर्म है इसको आप ने फेल करना है इसके साथ तमाम एजुकेशनल तजर्बे की रिक्वा जो नकूल अगर हैं तो ठीक है नहीं है तो रहने दें और एजुकेशनल डोमिसाइल अटैच करने है। और उनको भेज देना आप लोग ने इस पते पर पी ओ बॉक्स नंबर सत्ताईस डेरा गाजी खान ये पता आप लोग देख रहे हो मज़ीद आप लोग बता दूँ तो यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि कैंडिडेट जो सेलेक्ट होंगे उनको पाकिस्तान भर में कहीं पर भी पोस्ट किया जा सकता है तो पाकिस्तान में आप लोगों की कहीं पर भी नौकरी लगेगी फ़िलहाल आप लोगों ने इस जगह पर अपना कोरियर सेंड करना है मज़ीद अगर मालूम चाहिए तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो और ज़्यादा कुछ मालूम चाहिए तो नीचे लिंक में चले जाओ ये इश्हार भी मौजूद है सारा डाटा दिया गया है मिलते हैं एक और जॉब अपडेट में